नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कि डीपीसी के ऊपर से हम पहले रादा 9 इंच का कोने वाला चाल और डेली वाला चाल दोनों तरीका मैं समझाने वाला हूं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहां पर हमारा कॉलम था और कॉलम का जब फार्मा हम खोले हैं इसमें तो उस टाइम में हल्का कच्चाई होता है, तो उसी टाइम ये टक लगा देना है यहाँ पर। और इधर तो मैं दिखाना चाहूँगा कितना प्लेन है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से छेद या थोड़ा सा अच्छी तरीके से टॉक कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर दाढ़ा नहीं होता है। और जब यहाँ पे हम इस तरीके का टॉक लगा लेंगे और सीमेंट का जो टाइट घोल है वो लगा के यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, और साथ साथ में इसका दर्ज भरते जाएंगे तो काफ़ी मजबूत होगा। और नीचे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि डीपीसी के ऊपर अच्छी तरीके से पहले पानी से अच्छी तरीके से सफाई करके और सीमेंट का जो घोल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा चुके हैं। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से चाल बांधते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को पहले फैला लेना है इस तरीके से। और एक ईंट यहाँ हम पहले रख देंगे, यानी कि थोड़ा सा की गैप देना है यहाँ पे, ज़्यादा गैप नहीं रखना है। मतलब तो गैप इतना रखना है जो मसाला इसमें अच्छी तरीके से खाँच के हम भर सकें। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ इतना हम अगर गैप दे देंगे और दो डेली काट के इसमें रख देंगे तो ये डेली वाला चाल हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों ईट हम इसको सटा देंगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर जब बांधेंगे तो पौने का चाल बनाना पड़ेगा। तो मैं पौने की चाल वाला दिखा रहा हूँ। तो दो ईट हम यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बिल्कुल बराबर रखना है, ये ना दोस्तों जी इसका मुंह नीचे हो तो उसका ऊपर हो, तो ये भी गलती नहीं करना है। और नीचे में यहाँ पर ये जो कॉलम है इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले हम मिला के और आगे वाला जो ईट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये दर्ज था इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के और भर देना है यहाँ पे। और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से खींच के और यहाँ बांध देंगे। और यहाँ दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ मसाले को पहले रख के और बिल्कुल इस तरीके से फैला लेंगे मसाले को, और साथ में इस तरीके से कई बार तो होता है कि फेट लगा के भी चुनाई होता है, और कई बार होता है कि मतलब कि एक ऐसे सूखा ईंट रख के और बाद में दर्द भरा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके से अगर लगा देंगे बराबर मसाला तो ये दर्द होगा वो भी बिल्कुल बराबर होता जाएगा। और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक ठोक के, और ये जो सूत का नुकर है इसमें जैसे ये सूत बांधे हुए हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा की गैप है, क्योंकि गैप इतना हम यहाँ जहाँ ठेहा बांधे हुए हैं उतना गैप यहाँ हम रखे हुए हैं। गैप हम इसलिए देते हैं कि मान लीजिए कोई अंदर बाहर ईंट हो और सूत में सट जाए तो दीवार टेढ़ा होने के चांस होता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। और गैप की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर ये गैप रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि अगर लाल वाला ईंटा भी लगा रहा है चाहे ये सीमेंट वाला ईंट है तो प्रोसेस दोनों का एक ही होगा। और बिल्कुल अच्छी तरीके से तेज़ी में आगे हम चुनाई लगाते और बढ़ते जाएंगे, जो भी ईंट रखे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ मिलना चाहिए, और उसके बाद चुनाई लग जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये दर्ज है इसको खाँच खाँच के अच्छी तरीके से सीमेंट के मसाला जो है और उसको अच्छी तरीके से भर देना है यहाँ। अब नीचे ही वाले रादे में हम जो गैप था ये मोटा पतला कर देंगे, तो ऊपर वाला जो इसके ऊपर हम जो रादा बांधेंगे तो उसमें मतलब हमारा जो दर्ज है वो अच्छी तरीके से नहीं कटेगा। तो नीचे ही मेन पड़ाव हमारा नीचे ही होता है, उसमें मतलब कि जो गैप की बात करें तो गैप बिल्कुल बराबर देना है। और जब मान लीजिए कि इधर का भर रहा है तो इस हाथ से रोकना है और इधर का भर रहा है तो ये वाला चारों उंगल यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है और दर्ज बिल्कुल अच्छे तरीके से भर देना है। और उसके ऊपर हम फिर यहाँ पर हम किस तरीके से फिर जोड़ काटेंगे तो वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि दो इंच था हमारा, बीच में गैप नहीं था और बाकी इसी तरीके से लगा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से
ये जो दर्ज है बिल्कुल अच्छी तरीके से भरे हुए हैं, और ये गैप की बात करें तो बिल्कुल गैप बराबर है। और मानते हैं कि इधर से आप लगाते जाइएगा और जो आखिरी कोना है, कोई ज़रूरी नहीं होता है जो मतलब वहाँ भी इसी तरीके का दो इंच है, वहाँ पे डेली वाला भी चाल बन सकता है। तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को पहले फैला लेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप 9 इंच की दीवार लगा रहे हैं तो बिल्कुल 9 इंच बराबर मसाला बिछाना है इस तरीके से, और करनी को बिल्कुल बराबर चलाना है यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से मसाला है वो बिछ चुका है, और यहाँ पे इस तरीके का पौन ईंट एक तोड़ लेना है और एक यहाँ रख देंगे, और दूसरा जो होगा हम यहाँ रख देंगे। ये मुंह और ये मुंह दोनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और ये जो साइड में दर्ज है इसको अच्छी तरीके से यहाँ भर लेंगे। जब भी रादा बांधे तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ भर लेना है। कई बार तो होता है जो कॉलम पहले भी बनाया जाता है, कई बार बाद में भी बनाया जाता है। तो मान लीजिए कॉलम कहीं बना हो तो अगर वहाँ चुनाई आप लगा रहे हैं तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं, और उसके बाद में फिर नीचे वाला ईंटा हमको कॉलम से सीधा किए हुए थे उसी ईंट से फिर हम इसको साहुल कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा हम किस तरीके से साहुल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कि गैप वहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, और इस लुकर से हम साहुल किए हैं और बिल्कुल हमारा जो कैंडा है बिल्कुल सीधा है, और यहाँ से सूत को अच्छी तरीके से मिला के और आगे वाला जो ईंट है बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा करके और फिर खींच के अच्छी तरीके से बांध देंगे। और यहाँ बांध के और हल्का सा कि गैप यहाँ नुकर में दे देना है, और उसके बाद दीवार के ऊपर मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ फैलाना है इस तरीके से बिल्कुल बराबर 9 इंच दीवार लगाने के लिए मेन पड़ाव हमारा मसाला बिछाना ही होता है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला है वो बिछ चुका है, और उसके बाद जो भी ईंट लगाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक ठोक के और नुक्कर में मिलाना है। ये ना दोस्तों जो कोई ईंट ऊपर हो जाए तो सूट से, तो कोई नीचा हो जाए तो ऐसे भी नहीं करना है। और जोड़ की बात करें यानी कि हमारा मेन जब यहाँ से हम दाढ़े के पास से बनाए हुए थे यहाँ से, तो ये बिल्कुल बीचों बीच जोड़ आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अब जोड़ हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बीचों बीच कटता जाएगा, और गैप की बात करें तो बिल्कुल बराबर गैप दे रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं। और ये जो भी ईंट रखे यानी कि ये मुंह और ये मुंह बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों बराबर होना चाहिए ना दोस्तों, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैं चुनाई लगा रहा हूँ, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से लगाएं, और ये साथ साथ में ये दर्ज की बात करें तो ये साथ साथ ही दर्ज को भी भरते जाना है। और यहाँ मैं दर्द दिखाना चाहूँगा बिल्कुल बराबर ये दर्द छोड़े हैं जैसे कि देख सकते हैं, तो चुनाई लग जाए उसके बाद में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब मान लीजिए यहाँ हम भर रहा है तो इधर हाथ लगा देना है, अगर इधर भरेंगे तो ये वाला चारों उंगल यहाँ पे इस तरीके से सटा देंगे तो दर्द होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भरेगा। हर एक राधा में मसाला इस तरीके से टिप टिप के हाथ हाथ के अच्छी तरीके से और भरना है, दर्द जो है वो साथ साथ ही टिपते जाना है। और फिर हम तीसरी राधा में किस तरीके से बांधते हैं, मसाला जैसे कि देख सकते हैं अच्छी तरीके से हम दीवार के ऊपर बिछा चुके हैं बिल्कुल बराबर, हर एक रादा में बिल्कुल बराबर मसाला को रखना है। और यहाँ एक ईंट पहले हम यहाँ फिर रख देंगे जैसे हम पहले नीचे रखे हुए हैं, और एक ईंट हम फिर यहाँ रख देंगे, यानी कि जो नीचे हम ईंट रखे हैं इसके बिल्कुल सीधाई में ही रखना है, और दर्ज बिल्कुल अच्छी तरीके से साथ साथ ही भरते जाना है, क्योंकि
मेन चांस हमारा क्रैक होने का यहीं से चांस होता है। तो सीवर का जो घोल लगा के और साथ साथ ये जब दर भरते जाएंगे तो क्रैक आने का चांस नहीं होगा। और फिर इसी ईंट से हम नीचे वाले ईंट से फिर साहुल को कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे इसी यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप है और फिर इसी ईंट से आगे वाले ईंट को मिला के और फूट को बिल्कुल अच्छी तरीके से बांध देना है यहाँ पे खींच के। तो दोस्तों इसी तरीके से 9 इंच दीवार लगाया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए।